इसलिए जितने भी क्राइम होते हैं दुनिया में वो अधिकतर अंधेरे में होते हैं, इसलिए भगवान बुद्ध ने अंधेरे में यात्रा करने के लिए भी मना किया हुआ है, उसके 5 नुकसान बताए हुए हैं। उन्होंने सारी बातें बड़े ध्यान से देखी हैं, जानी है, और वो नियम मनुष्य के लिए बताए हुए हैं। धम्मपद गाथा नंबर 87, 88 और 89, 87, 88 और 89, ये जो बाल भग्गु है उसकी आखिरी गाथा है। कौशल में वस्सावास खत्म करने के बाद में कुछ भिक्कु सावित्री जैतवनाराम में भगवान बुद्ध के सानिध्य में आए, कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा, कुछ जानकारी, कुछ धम्म सीखने के हिसाब से। तब भगवान बुद्ध ने ये जो 3 गाथाएं वहां कहीं, जो भिक्कुओं के लिए बड़ी उपयोगी हैं, इस प्रकार से हैं। गाथा नंबर 87, कनंग धम्मंग विपहाय सुकंग भावेत पंडितो, ओका अनोक मागम विवेके यत दूर मंग। कणे माने जो होता है वो होता है काला, जो जहां भी आपको लग जाए, कणे पक्ष का मतलब होता है काला पक्ष, यानी कि जो 15 दिन मून जब गायब रहता है, जब चंद्रमा नहीं आता, चंद नहीं आता, चांद नहीं आता, तो पृथ्वी काली रहती है, उसको कणे पक्ष बोलते हैं। और जो जब चंद्रमा निकलता है तो उसको सेत पक्ष बोलते हैं। सेत का मतलब शक भी होता है और सेत भी होता है, यानी कि सफेद उजियारा पक्ष। तो कड़े पक्ष को जो मानते हैं वो ऐसा मानते हैं कि उसमें पाप कर्म ज्यादा होते हैं, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है, जानवरों की भी है, कि अंधेरे में काली प्रवृत्तियां यानी कि जो निगेटिव पावर है शरीर की वो एक्टिव हो जाती हैं ज्यादा, और उजाले में सनलाइट में कम हो जाती हैं। ये नियम है प्रकृति का, इसलिए जितने भी क्राइम होते हैं दुनिया में वो अधिकतर अंधेरे में होते हैं, इसलिए भगवान बुद्ध ने अंधेरे में यात्रा करने के लिए भी मना किया हुआ है, उसके 5 नुकसान बताए हुए हैं। उन्होंने सारी बातें बड़े ध्यान से देखी हैं, जानी है, और वो नियम मनुष्य के लिए बताए हुए हैं। तो कणे पक्ष धम्म विपहाय, विपहाय का मतलब है छोड़ के, पूरी तरह से छोड़ के। तो सुक्तंग भावेत पंडितो, यानी कि जो काला धम्म है, जो धम्म में जो काला हिस्सा है, जो पाप कर्म है, उसको पूरी तरह से छोड़ के। सुक्तंग भावेत पंडितो, सुक्तंग का मतलब है शुक्ल, बाद में इसको शुक्ल भी बोला गया। सुक्तंग माने सफेद को, भावेत माने उसको अभ्यास करे, पंडितो यानी जो जानकार है, समझदार है, वो काला पक्ष छोड़ दे, जो बुराइयां उसको छोड़ दे, और धम्म के अनुसार सफेद जो पक्ष है, जो अच्छी बातें हैं, उनका अभ्यास करे, उनकी प्रैक्टिस करे, उनको सीखे। ओका अनोक मागम्य, ओका जो बोलते हैं, ओक का मतलब है ये जो हम यहां ओक लगाते हैं, इसको ओक बोलते हैं, क्योंकि जल से बना हुआ है, पानी से बना हुआ है। तो ओक माने जल भी होता है, और ओक माने निवास भी होता है, जहां हम रहते हैं। तो यहां जो मतलब है वो निवास से है, रहने से, घर से है, यानी कि ओका अनोक मागम्य। ओका का मतलब हो गया कि निवास, और अनोक आगम का मतलब हो गया बिना निवास के आए, यानी कि घर वाले बिना घर के, यानी घर को छोड़कर आए, यानी जो प्रवजित हो, जिनको पूरा धम्म सीखना है, जिनको भिक्कु बनना है, जिनको निर्वाण प्राप्त करना है, वो अपने निवास को, घर को छोड़ के बिना घर के आए, यानी कि साधना के लिए जंगलों में जाएं, बिहारों में जाएं, प्रवजित हो, वहां इसका माहौल और एटमॉस्फेयर होता है। घर में आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मोक्ष की पहली जो शर्त है वो है अभिनिक्कमन। अभिनिक्कमन का मतलब है कि आपको अपने घर से छोड़ना ही पड़ेगा, बाहर निकलना ही पड़ेगा। विवेके यत दूरमंग, विवेक माने जो होता है वो एकांत होता है, यानी कि एकांत में जाए। विवेके यत्थंग माने है जहां दूर तक जाने को, दूरमंग माने है दूर तक जाने को, यानी कि जो काला पक्ष है उसको छोड़ के धम्म के सफेद पक्ष की, अच्छी बातों की प्रैक्टिस करे, अपने घर बार को छोड़ के दूर जाए, और दूर जाकर एकांत में अभ्यास करे। दूर जाने का मतलब है जो बुराई है, यानी कि उन बुराइयों से दूर जाए जो आपके मन में है, जब उसका अभ्यास करें, ऐसा उन्होंने भिक्कुओं को गाथा नंबर 87 में बताया। गाथा नंबर 88, तत् भी रति मिच्छे, तत्ता भी रति मिच्छे, हितवा कामे अकिंचनो,
परियोदपे अत्तानं चित्त कले से ही पंडितो तत्ता भी रति मिच्छे। तत्ता माने जो है वो तत्व है और अभिरति माने जो उसमें रत रहता है और मिच्छे माने इच्छा, यानी कि जो ऐसी इच्छा है तत्व में वास्तविकता में रहने की। हितवा कामे अकिंचनो, हितवा माने त्याग कर, त्याग कर कामे अकिंचनो निर्धन हो जाए, यानी कि उनको इच्छाओं को त्याग कर बिल्कुल निर्धन हो जाए इच्छाओं की तरफ से, बिल्कुल जो इसमें काम वासना जितना भी है वो सब इच्छाएं काम वासना त्याग कर बिल्कुल निर्धन हो जाए, यानी कि आपके अंदर एक भी काम वासना या इच्छा ना बचे जिसमें आप रत रहते हैं, जिन इच्छाओं में आप रत रहते हैं। तत्वों की रिक्शा में जो तत्व हैं, जितने भी फिजिकल चीजें हैं जिसमें आप रत रहते हैं, उनको छोड़कर बिल्कुल निर्धन हो जाए बिल्कुल। परियोदपे अत्तानंग, परियोदपे का मतलब है कि साफ करें, स्वच्छ करें अपने आप के, निर्मल करें मन को। अत्तानंग का मतलब है अपने को, अत्तानंग अपने को बिल्कुल स्वच्छ करें, निर्मल करें। चित्त कले से ही पंडितो, चित्त और जो चित्त के जो कलेश हैं, यानी चित्त के जो राग द्वेष और मोह मूर्ता हैं, जो चित्त के अंदर क्रोध अग्नि ईर्ष्या चीजें जितनी निगेटिव और जितनी बेकार जो आपको प्रसन्न करने वाली चीजें हैं, उन सारे कलेशों को बिल्कुल निर्मल कर दे, उसको समझदार कहते हैं। समझदार ऐसा करता है, यानी कि जितनी भी इच्छाएं हैं आपकी, जितनी भी भीतर आप जिनमें रहते हैं रत रहते हैं, वो सारी की सारी काम इच्छाएं जो भी हैं उनको त्याग कर बिल्कुल आप स्थिर हो जाएं, अकिंचन हो जाएं, स्थिर हो जाएं, और फिर अपने आप को पूरी तरह से साफ करें, अपने मन को पूरी तरह से साफ करें। जो जानकार है वो अपने चित्त क्लेशों को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। ये है भगवान बुद्ध का धम्मपद नंबर 88 और 89 इस प्रकार है। ये संग संबोधि यंगेशु, ये संग संबोधि यंगेशु सम्मा चित्तंग स्वभावितंग आदान पटि निस्सेगे अनुपादाय ये रता खीड़ा सवा जूति मंतो ते लोके परिनिभुता। ये संग संबोधियंग गेसु, संबोधियंग जो होता है यानी सम्मा संबोधि के जो अंग होते हैं, बोधि के अंग होते हैं, वो सात अंग होते हैं। तो ये यानी जिनके या जिनके जो सात अंग हैं बोधि के, सम्मा चित्तंग स्वभावितंग, सम्मा चित्त माने समान चित से, सही चित से, सही मन से उनको भावित करे, उनका अभ्यास करे। आदान पटी निस्सगे, आदान पटी निस्सगे का मतलब है, पटी निस्सगे बोलते हैं जो अप्राकृतिक चीजें हैं, और आदान माने लेना, यानी कि जो निस्सगे का मतलब होता है प्राकृतिक, और पटी का मतलब है प्रति, यानी उसके अपोजिट। प्रति निस्सगे का मतलब है प्रति नैसर्गिक, यानी कि जो नेचुरल के अगेंस्ट है, यानी अप्राकृतिक हो गई, आर्टिफिशियल हो गई, जो चीजें हमें घेरती हैं उनका क्या करे, पटी यानी कि उन्हें उनके बिना, आदान लिए बिना, यानी उनको ना ले। आदान पटी निस्सगे अनुपादाय ये रता, अनुपादाय का मतलब है बिना ग्रहण किए, ये रता का मतलब है जो उसमें रत रहे, यानी कि अप्राकृतिक चीजों को लिए बिना उनमें रत रहना है। कोई भी बाहर की चीज जो अप्राकृतिक है, जो धम्म के विरुद्ध है, जो आपको परेशान करेगी, जो आपका मन को मोहगी, उसको लिए बिना मन में आपने रत रहना है, कहा धम्म में, साधना में, विपस्ना में। खीड़ा सवा जूति मंतो ते लोके परिनिभुता, खीड़ा सवा का मतलब है खीड़ आसव का मतलब है छीड़ आसव। आसव जो बोलते हैं, जो बुराई सारी होती है उसको आसव बोला जाता है, और खीड़ माने छीड़ माने होता है उनको खत्म करना, यानी कि छीड़ आसव या खीड़ आसव। और ज्योति मंतो माने होता है ज्योति मंतो, जो आज तो हम ज्योति बोलते हैं जिसको पाली में, वो है ज्योति। ज्योति का मतलब है प्रकाश, मंतो माने मान, प्रकाशमान, यानी छीड़ आसव, जिसके आसव छीण हो जाते हैं वो प्रकाशमान हो जाता है। ते लोके परिनिभुता, ते माने वे और लोके माने शरीर उनके, परिनिभुता माने निब्बान को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे लोगों के जो शरीर हैं उनको निब्बान प्राप्त हो जाता है। इसको सिंपल भाषा में समझे तो इस प्रकार है, जिनका सही चित्त है, संबोधि के अंगों में अभ्यास में रत रहते हैं, जो अप्राकृतिक को त्याग कर रत रहते हैं, जिनके आसव क्षीण और प्रकाशमान, वे लोक निब्बान को प्राप्त करते हैं। ये गाथाएं भगवान बुद्ध ने कही। इसी के साथ
बाल बग्गो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.